आज की कहानी का नाम है बहू से नफरत। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है, हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर सकती हूँ। तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वालों की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलन नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलनों को मानता हूँ, इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया। तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रामा ने कहा, चल बेटा जल्दी से हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रामा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है, इसके कदम ही अशुभ हैं। देखो अब देखो, इसका मांगलिक दोष मेरे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोलूँगी तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई, क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई। दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को आपने बहू मानी, उसे दिल से अपनाया, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराएं कि वह भी इस घर का सदस्य है, नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थीं और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और एक महीने बाद
अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय श्रिया को दिया। तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है, तेरा साथ, तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार श्रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा, और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय श्रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो श्रिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रिया को जाता है, अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब श्रिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं श्रिया बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा था कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं, इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है, तू और तेरी तरक्की भी बहुत है, मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, क्या अभिनव ने अपनी माँ को सही राह दिखाई? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।